में एक बार फिर बात करेंगे पीएसएल सीजन 8 के, जिसका कल नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। कराची किंग्स और पेशावर जलमी की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम में तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही हैं। मजीद बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से, जो इस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद हैं। इमरान, बताएगा आप नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, कैसी तैयारियां हो रही हैं कल के मैच को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में एक्शन शुरू हो चुका है और नेशनल स्टेडियम कराची में कल से एक्शन शुरू होगा, जिसके लिए दोनों टीमें भरपूर तैयारियों में मसरूफ है। मैं बात कर रहा हूँ पेशावर जलमी और कराची किंग्स की, जो कल यहाँ नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी और यहाँ पर ये पहला मैच भी होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। दोनों टीमें 3 घंटे तवील सेशन दोनों टीमें कर रही हैं और बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खसूसी मशकें की जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही टीमें फातेहाना आगाज करना चाहती हैं यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में। तो टिकटों की जहां तक बात है, तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं यहाँ पर पहले मैच के, पेशावर जलमी और कराची किंग्स के। और अगर हम तैयारियों की बात करें तो अगर हमारे कैमरामैन नबील आपको दिखाएं, डिजिटल बाउंड्रीज जो है वो तैयार कर दी गई है। उस मैच होगा यहाँ पर, अगर हम देख सकें कि इंक्लोजर्स को साफ किया जा रहा है फैंस के लिए और ग्राउंड स्टाफ जो है वो दिन रात वो मेहनत कर रहा था यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। तो काम तकरीबन जो है वो मुकम्मल है, अब सिर्फ एक्शन शुरू होने की बारी है। कल यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची जो है खचाखच भरा होगा और यहाँ पर लाइव एक्शन शुरू होगा 7:30 बजे, जब पेशावर जलमी और कराची किंग्स मद्दे मुकाबल होंगे। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब एंटी न्यूज एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए हमारे साथ तावुन किया है एक्सप्रेस पावर।